का खाना ना मैंने रख दिया है, सब्जी मैंने अलग से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो आज है वेंसडे और अथर्व के स्कूल का आज है फर्स्ट डे। तो अथर्व चला गया है ग्रेड वन में, बहुत टाइम से जो ये सब चीज़ें थी कि वो ग्रेड वन में जा रहा है, तो फाइनली आज उसका पहला दिन है स्कूल का। बट क्योंकि अथर्व का जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट है, तो मॉर्निंग में मैं सारी प्रिपरेशन कर रही थी उसके टिफ़िन की या फिर सुरेश के टिफ़िन की। तो आज ना सुरेश थोड़ा सा लेट जाएंगे ऑफिस, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अथर्व का जो स्कूल के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन लगाया हुआ है, बस हमने लगाई है इस बार। तो थोड़ा बहुत देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए भी और थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल भी हो जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट जाएंगे। मतलब उसको बस में बिठा के अच्छे से स्कूल में पहुंचा के उसके बाद ही वो ऑफिस जाएंगे। तो इस वजह से मॉर्निंग में कोई ऐसी जल्दबाजी मुझको नहीं थी, बट फिर भी हाँ, क्योंकि वो टिफिन लेकर जाएंगे इस वजह से मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही थी। तो पहले दिन का बड़ा वो रहता है यार बच्चों का कि हाँ क्या देना है, क्योंकि बहुत स्कूल में एक तो इतना ज़्यादा आजकल जो है ना, इतने ज़्यादा मतलब रूल्स लग गए ना कि स्कूल में ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, पूरा वेजिटेरियन फूड आपको देना है। तो ये सब चीज़ें थी, तो हाँ वो तो खैर पहले से भी चल रहा था, बट हाँ फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। तो प्रॉपर मुझे लगा कि क्योंकि अथर्व का स्कूल आफ्टरनून का है, तो उसका जो लंच टाइम है वो 2-2:30 के अराउंड होगा। तो दिन में जैसे मैं सुरेश को सब्जी रोटी देती हूँ, ऐसा ही मेरा प्लान था कि अथर्व को भी मैं सिंपल सब्जी रोटी ही दूंगी। बट ये था कि क्योंकि उसका फर्स्ट डे भी था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया था उसको। मैंने जो रोल्स आते हैं, जैसे सब्जी के जैसे रोल्स बनाते हैं, उस टाइप की मैं सब्जी बनाऊंगी। बट सूखी जो सब्जी होती है, ड्राई जो सब्जी होती है, वो हम लोग थोड़ा सा कम ही खाते हैं, सुरेश को भी ऑफिस में इतना पसंद नहीं आती है। तो क्योंकि आज मैंने आलू की सब्जी मैं बना रही थी, आलू पनीर की, तो थोड़ी सी सब्जी मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी ऑफिस के लिए और घर के लिए। और अथर्व के लिए मैं रोल बनाऊंगी पनीर का, पनीर में थोड़ा सा मैं पेपर वगैरह ऐड कर दूंगी, अनियन वगैरह, उसी टाइप से सोच रही थी कि थोड़ा सा मतलब उसको भी थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगी प्रॉपर सब्जी रोटी दी है। जनरली क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा जब बड़े होने लग जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे बच्चा फर्स्ट में आ गया है, सेकंड में आ गया है, तो चलो बच्चों को सब्जी रोटी देना स्टार्ट कर देते। बट यहाँ पर मुझे कोई इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है स्कूल में देने की, क्योंकि अभी धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो मतलब उनके रूटीन में आ जाएंगे। अभी तक अथर्व का मॉर्निंग में था स्कूल, तो वो ब्रेकफास्ट ले जाता था, मतलब ब्रेकफास्ट में स्नैक्स वगैरह बनते थे, हालांकि उसमें भी वो सब हेल्दी फूड ही ले जाता था, बट फिर भी हाँ थोड़ा सा ये था कि प्रॉपर रोटी तो मैं उसको डेली नहीं देती थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसको मॉर्निंग में मैं मतलब बोलते ना चेंज करके देती थी। बट अभी क्या है कि दिन का टाइम है, तो दिन में यार ये सब बनाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, इस वजह से जो मेरा बनता है सब्जी रोटी मैं वैसा ही उसको देने वाली हूँ टिफ़िन। तो यहाँ पर ना ग्रेवी वाली सब्जी मेरी रेडी हो गई थी आलू पनीर की, जो मैं सुरेश के लिए रखूँगी टिफ़िन के लिए, और वही कढ़ाई ना मैंने क्लीन कर दी थी, क्योंकि उसी कढ़ाई में मैं अथर्व के लिए भी बनाऊँगी सिंपल ये जो पनीर अनियन वाला जो एक रोल होता है सिंपल, बस वैसे ही मैं बनाऊँगी। सैलड वगैरह मैंने सब कुछ कट करे हुए थे। आज मैं अथर्व को बिल्कुल जैसे मैं सुरेश को देती हूँ ना टिफ़िन, बिल्कुल वैसा ही देने की ट्राई करूँगी, बट हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूँगी, क्योंकि यार बच्चों का थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो खा भी ले, मतलब ज़बरदस्ती भी ना हो कि उसे सब्जी रोटी खानी पड़े। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बच्चा भूखा रह जाए, और काफी लंबा टाइम भी है स्कूल का इस वजह से। तो बस थोड़े से ऑयल में मैंने ना यहाँ पर हाफ अनियन और हाफ पेपर मैंने अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर दिया था, थोड़ा सा मैंने जो पनीर है वो सॉटे कर दिया था, इसमें मैंने केवल सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ही ऐड किया था, और उसके बाद ना मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दिया था, तो इसी टाइप से मैं बना रही थी। वैसे अगर इसमें पिज्जा सॉस अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो और भी ज्यादा फ्लेवर जो होता है ना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो बस यही सब करते इस बीच ही मैंने अथर्व को भी बात कराया था, आज वो कोई इतना जल्दी नहीं उठा था, बट हाँ क्योंकि बच्चों का जो टाइम है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का वो बिल्कुल सेम ही है, तो 9:30 के अराउंड ही मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था सिंपल। मैंने आज ब्रेड ऑमलेट बनाया था, और अर्थ के लिए तो जैसे हाफ फ्राइड एग बनते हैं बिल्कुल वैसा ही था। तो बच्चों का जो मॉर्निंग रूटीन है वो सही है, बट हाँ दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जैसे वो हॉलीडे के दिन करते हैं, तो अब से उनका जो रूटीन है वो यही रहने वाला है।
यहाँ पर मैंने बस एक सिंपल रोटी बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ी सी मैंने मेयोनीज मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था, और जो मैंने अनियन और उसका जो जैसे बैटर टाइप का बनाया था ना उसको मैंने यहाँ पर कर दिया था रोल बना के। तो बस यही सब मैं दे रही हूँ, सैलेड दिया था मैंने और थोड़ा सा मैंने उसको फ्रूट दिया था। तो ये आज सिंपल टिफिन उसको जाने वाला है, तो देखते हैं वो कैसा रहता है। वैसे तो वो खा लेता है ये सब, ऐसा कुछ उसका बहुत कोई ऐसा क्रैंकीनेस नहीं है, आलू पनीर की सब्जी नॉर्मली वो भी खा लेता है, बट ऐसे तोड़ के सब्जी रोटी वो कैसे खाएगा स्कूल में मुझे अभी इसका इतना आइडिया नहीं है। धीरे धीरे मैं देखूंगी कि उसको और किस तरीके से मैं टिफिन दे पाऊं। तो अथर्व का स्कूल 12:30 का है, अभी उसने ब्रेकफास्ट करके मिड मील करके मैंने उसको रेडी कर दिया था, एंड ही इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। वो एक बार भी नहीं बोला कि मैं बस में कैसे जाऊंगा क्या करूंगा, ही इज़ सो इंडिपेंडेंट। और अर्थ के आने के बाद स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया उसको, सही है, अच्छा भी रहता है, आज मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। थर चला गया है स्कूल और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 बज रहे हैं, और ना मैंने अभी काफ़ी कुछ काम कर लिया है। जब वो स्कूल गया तो उसके बाद मैंने अर्थू की मालिश वगैरह कर ली, और घर इतना खाली खाली लग रहा है ना, ज़्यादातर काम मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था। तो आज तो सुरेश थोड़ा सा लेट गए हैं ऑफिस, कल से तो अपने रेगुलर टाइम पे ही जाएंगे मॉर्निंग में। आज थोड़ा सा वो देखने के लिए कि बस का रूट क्या है, थोड़ा सा मतलब सेफ्टी के पर्पज से भी, और वैसे भी जैसे कि पता भी रहे कि उसको कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वही था का जो है आज वो 5:30 5:45 के अराउंड ही घर आएगा। देखते हैं लंबा टाइमिंग कैसा रहता है उसका। तो इस मंथ ना वैसे जो उनका टाइमिंग है वो भी अभी आधा घंटा कम है, मतलब जैसे 5:30 पे उनको ऑफ होना था, तो अभी जो उनका टाइमिंग है वो 5:00 पे है। इस टाइप से जैसे बच्चों को भी ना थोड़ी सी हैबिट हो जाए, क्योंकि अभी तक बच्चे 2.5-3 घंटे का स्कूल जा रहे थे और सडनली बच्चों को 4 से 5 घंटे का स्कूल आप कर दो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है। तो बस वही है। तो आज ये इतना रोया है ना, जैसे ही मैंने हमने मतलब अथर्व को बस में बिठाया तो वो लिटरली वहाँ से लेकर ऊपर तक वो रोता ही रहा, क्योंकि इतने टाइम से ना यही जाता था, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे ड्रॉप करने, तो उसको हैबिट हो गई है ना। बस 1-2 महीने की बात है, फिर जब इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब तो पहले यही स्कूल जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अभी अथर्व को स्कूल बस में बिठाना और ऊपर तक इसको लेकर आना वापस, मतलब बहुत ही ज़्यादा होने वाला है कुछ दिन तो, ठीक है ना। चलिए फिर मैं इसको अभी खाना दे देती हूँ, सब्जी वगैरह मेरी सब बनी हुई है, बस मुझे रोटी बनानी है अभी, ठीक है ना, रोटी खाओगे ना। तो अभी इसकी मालिश भी हो गई है अच्छे से। मैंगो कर्ड भी बना रही हूँ, अगर वो पराठे के साथ अगर वो खाएगा इवनिंग में तो मैं उसको बोल दूंगी, अदरवाइज फिर मैं उसमें मिल्क शेक वगैरह कुछ बना दूंगी, और साथ साथ ना मैं चिकन भी बना लूँ तो फ्राई करने मैंने रखा हुआ है। तो आज का दिन ना मुझे काफी ज्यादा लंबा लगा, इतना शांति वाला दिन था ना आज, क्योंकि आज एक ही बच्चा घर पे था इस टाइम पे ना, जनरली दोनों ही रहते हैं, दोनों दिन भर इतना ज्यादा दंगा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं ना, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो बच्चों के बिना ना एक्चुअली अलग ही टाइप का खालीपन रहता है घर पे ना, और सही में मैं किसी के साथ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जब बच्चे घर पे होते हैं तो हम बच्चों को बोलते रहते हैं अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन अभी जैसे नहीं थे तो बहुत ही खाली लग रहा था। तो समहाउ इवनिंग के टाइम पे मुझे डिनर की प्रिपरेशन मैंने थोड़ा टाइम से पहले ही कर लिया था, जिससे कि थोड़ा सा टाइम मैं अथर्व के साथ भी स्पेंड कर पाऊँ। अथर्व का जो आने का टाइम है वो 5:00 के अराउंड था, बट क्योंकि आज फर्स्ट डे था उसका स्कूल का, तो थोड़ा सा उसको बस की ट्रैवलिंग में उसको ज़्यादा टाइम लग गया था, 5:30 के अराउंड उसको टाइम हो गया था। आज आपका To grade one, okay, very good, nice. आप थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? और भूख लगी है? भूख तो बहुत लगी है। चलो फिर बट्टा फिर से बैठ जाओ, पराठा बनाई हूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ अथर्व आ गया है घर, और अभी ना 7:00 के अराउंड टाइम हो रहा है उसका। स्नैक्स वगैरह मैंने जो बनाया था मैंगो कर्ड, उसके साथ मैंने पराठा उसको दे दिया, तो उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी आज। उसे एक तो
स्कूल में वैसे भी लंबा टाइम था और फिर बस में आने में भी उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इस वजह से। तो बस वही अभी मैं थोड़ी देर सोचूंगी नीचे लेके जाऊंगी बच्चों को, और जो चिकन वगैरह है वो तो मेरा सब बन गया है, डिनर की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है, बस राइस बनाना है तो वो तो मैं डायरेक्टली बस रात को ही बनाऊंगी। ओवरऑल अथर्व का दिन आज ठीक ठाक रहा, वैसे तो बहुत खुश खुश होकर ही आया, बट हाँ टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो अभी फर्स्ट डे है, देखते हैं थोड़े दिन बाद थोड़ा सा हम लोग को भी हैबिट हो जाएगी और उसको भी फिर वैसी ही हैबिट हो जाएगी। सो चलिए आज इस व्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।